बैठना है आपने और मार्कर से प्रॉपर मार्क करके बताइए। सबसे पहले ईयर होल के बाद वाला पॉइंट, ईयर होल सर, दिस वन इज द माउथ, वेरी गुड, दिस इज द स्टमक, हाँ जी, माउथ का ऑपोजिट LI, LI यानी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ के पास ईसोफागस कार्डिया, वेरी गुड, या कार्डिया का ऑपोजिट डियोडेनम, डियोडेनम, ईसोफेगस का ऑपोजिट SI, ठीक है, LI एंड SI के बीच सेगमेंटल अपेंडिक्स, सिग्मोइड कॉलन या अपेंडिक्स, LI के ऑपोजिट रेक्टम, ठीक है, आनस, ठीक है, माउथ के ऊपर दिस वन इज द डायाफ्राम, ठीक है, एंड इन बिटवीन डायाफ्राम एंड माउथ माउथ अपेंडिक्स पॉइंट जीरो। अब इसमें एक चीज देखनी है, देखें पॉइंट है सर, इसी की सीध में बाहर आएंगे तो यहाँ रेक्टम और यहाँ एनस होगा, ये आपने थोड़ा सा नीचे बना कर बाहर की तरफ आएगा। हाँ, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आप सबने समझनी है, देखो एक जिम्मी पकड़ाओ, ऑरिकुलर जिम्मी, जो आपको जादू की छड़ी दी गई। हाँ, अब देखिए जो सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे समझना है, देखिए माउथ सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, माउथ, ये पॉइंट क्या करेगा, माउथ अल्सर हो जाते हैं बहुत लोगों को, बैड ब्रेथ फ्रॉम माउथ होती है, उसको ठीक करेगा। उसके बाद देखो खाने की जो डाइजेशन की शुरुआत है वो माउथ से होती है, क्योंकि उसमें सलाइवा मिलता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बढ़िया, इसीलिए कहा जाता है खाने को अच्छी तरह चबाना चाहिए, तो डाइजेशन जब भी गड़बड़ है माउथ का पॉइंट जरूर ट्रीट करना है। उसके बाद जाता है एसोफेगस, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन जब खाना खाते हैं ना तो खाना फूड ऊपर को आता है, दूसरा एसोफेगस श्रिंक हो जाती है, उसमें कैंसर हो जाता है विद टाइम, तो जब खाना अंदर ले जाने के लिए लोग आधी रोटी खाने के लिए एक एक लीटर पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो समझ जाइए एसोफेगस श्रिंक है। एसोफेगस के जस्ट बाद वाला पॉइंट है कार्डिया, जिनको भी फूड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है, खाना ऊपर को आ रहा है, एसिड ऊपर को आ रहा है, होते हैं क्योंकि खाना ऊपर को निकल आता है, तो ऐसे सब केसेस में आपको कार्डिया पॉइंट ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया स्टमक, ये स्टमक वो एरिया है जहां पे खाना फिर 4 घंटे रह के चर्न होता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ध्यान रखना है 1 2 3 4 पॉइंट हुए, पहला माउथ, दूसरा एसोफेगस, तीसरा कार्डिया, चौथा स्टमक, ये चारों पॉइंट को ट्रीट करेंगे जब अपर डाइजेस्टिव ट्रैक की प्रॉब्लम है, यानी किसी को खाना ऊपर को आ रहा है, एसिडिटी बन रही है, डकारें आ रही हैं, ऐसे सभी केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन चार पॉइंट को ट्रीट करना पड़ेगा। इसके बाद के पॉइंट्स पे आते हैं, इसके बाद देखो डियोडेनम अल्सर वेरी कॉमन, खाना खाने के 2 घंटे बाद पेट में दर्द हो तो समझ जाओ डियोडेनम अल्सर हो गया, डियोडेनम में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके खाने के इमीडिएट प्रॉब्लम है तो स्टमक में, खाना खाया और जल्दी प्रॉब्लम शुरू हो गई तो स्टमक में प्रॉब्लम है, अगर खाना खाया 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद हुआ तो डियोडेनम में प्रॉब्लम है। डियोडेनम के बाद खाना कहाँ पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर है। अब गैस, ये चार पॉइंट जो हो गए, देखो स्टमक तो लेना ही है, मैंने कहा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी स्टमक के साथ लार्ज इंटेस्टाइन तक अगर आप जा रहे हो तो ये जो चार पॉइंट हुए ये लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को IBS है, खाना खाया और स्टूल आ गया, जिनको नीचे से खूब गैस पास होती है, जिनको गैस पेट में भर जाती है, पेट में अफारा बना रहता है, ऊपर से पास हो नहीं सकती क्योंकि स्टमक से नीचे चली गई और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में घूम रही है, और ऐसे में क्या होगा, पेट में अफारा हो जाएगा, गैस बनी रहेगी और बहुत डिस्कम्फर्ट, फिर वो इधर उधर दबवाते हैं, किसी तरह कोई डकार आ जाए या नीचे से पास हो और गैस पास होने पे फिर राहत मिलती है। तो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम है तो माउथ, एसोफेगस, कार्डिया और स्टमक, और लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम है तो स्टमक, इंटेस्टाइन और लार्ज, ये पाइल्स की बीमारी। अब पाइल्स होती है तो इंटरनल पाइल्स या एक्सटर्नल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स हो गई तो एनस, इंटरनल पाइल्स हो गई तो रेक्टम, मोशन पास किया कुछ बाहर आ गया, मस्से सूज गए और 15-20 मिनट आधे घंटे बाद वो अंदर चले गए तो ये इंटरनल पाइल्स हो गए, ऐसे में रेक्टम एनस दोनों लेना चाहिए। और एक है कि मस्से बाहर ही हैं या फिशर हो गया, बाहर कट्स पड़े हैं, या फिस्टुला हो गया, बाहर ही मस्सा है, या
हाँ ब्लीडिंग पाइल्स होनी शुरू हो जाती अच्छा है, फिर कहीं को फिस्टुला हो जाता है। तो जब आपको पांच तत्व सिखाएंगे, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, तो ब्लीडिंग पाइल्स है तो पृथ्वी रोकेगी, क्लियर है? कट्स अगर पड़ गए हैं तो ड्राइनेस हो गई इतनी जबरदस्त, तो वाटर एलिमेंट उसको लुब्रिकेट करेगा और आकाश तत्व दोबारा नई स्किन लाएगा। मस्से हो गए हैं तो अर्थ अग्नि उसे मेल्ट करेगी। तो इस तरह से आप तत्वों का इस्तेमाल करके किस तरह की पाइल्स है, किस तरह की प्रॉब्लम है, उसको निजात दे सकते हैं। तो ऑरिकुलर थेरेपी इसे बहुत इजी बनाती है। अब देखो डायफ्राम, ये डायफ्राम पॉइंट देखो, कई बार क्या होता है, छाती और एब्डोमन इसके बीच में यहाँ डिस्कम्फर्ट होता है, तो जब भी डायफ्राम में डिस्कम्फर्ट है, डायफ्राम पॉइंट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आया यहाँ पे, पॉइंट ज़ीरो, अब नाम है इसका पॉइंट ज़ीरो लेकिन है ये हीरो। ये क्या करता है, पूरी जो हमारी बॉडी की एनर्जी है उसमें संतुलन क्रिएट करता है। ये हमारा ईयर सेंटर पॉइंट भी कहलाता है, पूरे कान का ये सेंटर पॉइंट भी कहलाता है। बढ़ रहा है कभी घट रहा है, शुगर कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, हार्ट रेट कभी बढ़ रहा है कभी, जब भी फ्लक्चुएशन है तो आपको पॉइंट जीरो ट्रीट करना है। एनर्जी के इम्बैलेंस को बैलेंस करना है, तो जैसे होता है ना, नाभि को केंद्रित करना चाहिए शरीर की, तो ये कान की नाभि है हमारी, तो इसका इस्तेमाल बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होता है। अब फटाफट एक दूसरे कान पे,